जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में आपका एज क्राइटेरिया वगैरह हर एक चीज आप सभी को इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे क्लियर करते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है जिसने सभी का दिमाग खराब किया हुआ है वो है ये वाला जो कैलेंडर है, कैलेंडर। तो कैलेंडर जो आपका रिवाइज वाला कैलेंडर आया है, इसमें कहीं पे भी एसएससी जीडी को शामिल नहीं किया गया है। अब एसएससी जीडी नई वैकेंसी को शामिल ना करने से कैंडिडेट में काफी मायूसी है कि भाई एसएससी जीडी की वैकेंसी अब तो आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को समझनी चाहिए कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट एग्जामिनेशन जिसके नोटिस के बारे में मेंशन किया गया है वो एसएससी और यूडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जो कि 13 अक्टूबर 2023 को जिसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। इसके बाद आपके एक तो अक्टूबर भी आधा बचा हुआ है, फिर आपका नवंबर भी बचा हुआ है, फिर आपका दिसंबर भी बचा हुआ है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक मंथ में दो नोटिफिकेशन ना निकाले जाते हों। आप देख सकते हैं अक्टूबर में दो निकाले जा रहे हैं, सितंबर में आप देखो 1 सितंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर, 29 सितंबर, यानी कि सितंबर के महीने में 5 वैकेंसी निकाली जा सकती है, तो अक्टूबर में क्यों नहीं निकाली जा सकती, साथ ही में नवंबर में क्यों नहीं निकाली जा सकती, दिसंबर में क्यों नहीं निकाली जा सकती। तो पहली चीज आप अपने दिमाग में एक चीज क्लियर ये कर लो कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके इस कैलेंडर में आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी को शामिल नहीं किया गया है तो अगली वैकेंसी नहीं आएगी। इसका सबसे मेन और वैलिड रीजन मैं आप सभी को बता दूं कि जब तक आपकी पुरानी भर्ती की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, जब तक इसके बारे में आपको कहीं पे भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एसएससी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, ना कि ये सारी चीजें अपने एंड से करती है। यानी कि जब इन्हें एमएचए की तरफ से या सीएपीएफ की तरफ से डेटा रिसीव नहीं होगा, तब तक इस नोटिफिकेशन के बारे में या वैकेंसी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं होगा। तो आप इस कैलेंडर को तो पहले नंबर सीरियस मत लीजिए कि अगर कैलेंडर में अभी तक शामिल नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें मैं अभी आपको और क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में एज का भी मैं क्लियर कर दूंगा कि कितनी आपको एज चाहिए। लेकिन इससे पहले जरूरी है आपकी तैयारी। सभा में ये वैकेंसियों की संख्या बताई थी जिसमें आप देख सकते हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के टोटल 64,037 वैकेंसी यहाँ पे खाली बताई गई थी। साथ ही में अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा भी आप सभी को बता दें कि अगर आपकी किस्मत और अच्छी रही तो ये वाली वैकेंसी का जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये बता रहा हूं आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन। आप सभी को बताया कि इससे पहले आपकी एसएसएफ की वैकेंसी भी नहीं आती थी, आपकी एनआईए की वैकेंसी नहीं आती थी, फिर आपकी एनसीबी की भी वैकेंसी नहीं आती थी। अब इसी तरीके से आपकी और वैकेंसी भी हर बार ऐड हो जा रही है। तो पूरी उम्मीद है कि आपकी आईआरबी की वैकेंसी भी एसएससी जीडी की भर्ती में शामिल हो सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। साथ ही में सैलरी, पे स्केल वगैरह सारी चीजें सेम है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इतनी बड़ी भर्ती है तो शायद एसएससी भी इसे कंडक्ट करवा सकती है। अगर एसएससी कंडक्ट करवाती है तो एसएससी जीडी की भर्ती के साथ शामिल करके इन वैकेंसी को निकाला जा सकता है, तो 17,000 वैकेंसी का और बेनिफिट आप सभी को मिल जाएगा। ये वैकेंसी भी उसी में एड होके आपकी वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब बात आती है कि भाई कैसे कन्फर्म हो कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपको किसी और की बात में ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी वर्तमान सरकार है आप उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो देखो, मैं यहाँ पे आप सभी को दिखा दूं, ये पीआईबी की वेबसाइट है, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वाली जो वेबसाइट होती है वो वाली वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएम ने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे देखेंगे कंडक्ट द कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एग्जामिनेशन इन 13 रीजनल लैंग्वेज आल्सो। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन अब से पहले, यानी कि ये जो लास्ट वाली भर्ती हुई है इसमें भी केवल दो ही भाषाओं में होता था, एक हिंदी और इंग्लिश। आप ये समझिए कि जब ये भर्ती कंप्लीट हो गई, यानी कंप्लीट इन द सेंस कि इसका एग्जामिनेशन हो गया, इसके बाद गवर्नमेंट को ऐसा क्या ध्यान आता है कि इसमें 13 भाषाओं को ऐड कर दिया जाना चाहिए, यानी कि अब परीक्षा 13 भाषाओं में होनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है सीएपीएफ के पदों को भरने के लिए,
और इसी वजह से इस भर्ती को अपनी मतलब गवर्नमेंट में दिखाने के लिए थोड़ी वाहवाही तो होगी होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि 50 लाख युवा जिस भर्ती में सम्मिलित होते हों, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कितनी बड़ी चीज हो गई। इसीलिए सरकार ने यहाँ पे 13 अन्य भाषाओं को ऐड किया जिसमें आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, एमएचए डिसीजन टू कंडक्ट द कॉन्स्टेबल जीडी सीएपीएफ एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेज ऑल्सो। तो यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये ट्वीट करके बताया गया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अब ये भाषा वैरियर नहीं होगा, साथ ही में गृह मंत्री, तो गृह मंत्री के द्वारा भी ये इंफॉर्मेशन दी गई थी, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। साथ ही में ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, जिस नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई थी कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षा में एक में से एक है जिसमें देश भर में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 से होगा। तो ये 1 जनवरी 2024 ही क्यों लिखा गया कि आने वाली भर्तियों, ऐसा भी लिखा जा सकता था, बट अगर हम इस चीज को माने तो आप ऐसे समझिए कि इन्होंने 1 जनवरी 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2024 से परीक्षा का आयोजन होगा। अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आप सभी एक चीज देखिए, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूँ जिससे कि आपको चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे अक्टूबर का लास्ट नोटिफिकेशन ऐड है, अब इसके बाद भी तो नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। अगर अक्टूबर में या नवंबर में आपकी वैकेंसी आ जाए तो आप एक चीज बताओ, जनवरी में क्या आपका एग्जाम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर ये वैकेंसी डिले होती है तो 2024 में मई के बाद ये वैकेंसी लटक जाएगी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन होंगे, इससे पहले ही गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन रिलीज करके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा देगी। बाकी के जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होंगे वो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ही बंटवा दिए जाएं, क्योंकि 4 से 5 महीने में भर्ती को कंप्लीट करने का प्रोसीजर किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को बता दें कि अभी जो आपकी वर्तमान भर्ती चल रही है 2022 वाली, आप देखिए कितनी फास्ट तरीके से प्रोसेस चल रहा है। 10 अगस्त को आपके मेडिकल कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपको बता रहा हूं कि सितंबर में आपका फाइनल रिजल्ट जारी होके अक्टूबर तक, यानी कि आप ये मानो कि दिवाली पे आपको ज्वाइनिंग लेटर बांट दिए जाएंगे। ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है सरकार का, और ये आप सभी को सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि नौकरी आपको चाहिए तो आपको उसके लिए पहले जागना पड़ेगा, जागोगे तभी कुछ पाओगे, सोओगे तो सिर्फ और सिर्फ खोने के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। तो ये चीज अच्छे से समझ लो कि यहाँ पे ये भर्ती आने का पूरा पूरा चांस है, और ये भर्ती आपकी अक्टूबर नवंबर में भी आ सकती है। अब जब बात ये आ जाए कि आपकी वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आएगी, हम ये मान लेते हैं कि आपकी वैकेंसी नवंबर में आती है, तो नवंबर के अकॉर्डिंग अगर आपकी उम्र सीमा की हम बात करें तो 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र की गणना होगी, जिसमें आपकी उम्र सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, 18 से 25 साल सॉरी 18 से 26 साल, 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, 18 से 26 साल ओबीसी और 18 से 28 साल आपका एससी एसटी कैटेगरी में होना चाहिए। तो ये आपकी उम्र सीमा रहेगी, तो 1/8/2023 से अपनी उम्र सीमा की गणना करके देख लो, अगर आपका एज क्राइटेरिया इतना बन रहा है तो सारी चीजें छोड़ के एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी में आज से ही जुट जाओ। अगले 6 महीने में हो सकता है कि सारी चीजें आपके फेवर में आ जाएं, जो टेंशन है पूरी दुनियादारी की सारी चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगे रहो। अगर आपका जनवरी में एग्जामिनेशन हो गया, क्योंकि भर्ती अनएक्सपेक्टेड है, हर किसी को लग रहा है कि शायद भर्ती ना आए, अगर ऐसा हुआ तो जो बच्चा पहले से अवेयर है और तैयारी में लग रहा है वो ही बाजी यहाँ पे मार के ले जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखो, मैं बार बार, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल के बच्चे बहुत ज्यादा हमसे कनेक्टेड हैं, आप इतना समझो कि अगर आपने पहले से तैयारी कर भी ली, मैं 1% ये मान के चलता हूं कि भर्ती नहीं आती है 6 महीने बाद आएगी, तो क्या आपकी पढ़ाई बर्बाद चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। बाकी के जो 40-50 लाख बच्चे हैं आप उनसे बहुत आगे होंगे, यानी लगभग 6 महीने आगे, क्योंकि आपने 6 महीने पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो सारी चीजें छोड़ो और आज से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी